सबसे पहली बात तो इसका राइडिंग पोस्चर बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप चलाओगे तो मक्खन जैसी है ना। और दूसरा इंजन, अपन जो है अपन गाड़ी तो ले लेते हैं भाई, उसको पालना खर्चा सबसे मेन रहता है, इसका अपना खर्चा कितने कैसा क्या जाता है। आज खेड़ो गाइज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज अपने साथ है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। ये अपना BS4 मॉडल है, 2019 में परचेस करी थी। तो आज आपके साथ लॉन्ग टर्म ओनरशिप शेयर करने वाले हैं। अभी आप न्यू वाली देखोगे ना तो अपनी BS6 फेस 2 जिनके साथ आ गई है, अलॉय व्हील्स आ गए हैं, LED लाइट्स अपनी है, ट्यूबलेस टायर्स उसमें आ गए। तो आज अपन देखते हैं कि अपनी पुरानी वाली में कैसा क्या दम था। सबसे पहले आप इसका कलर चेकआउट कर सकते हो, क्या प्यार लग रहा है यार। और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो आपको वीडियो देखने में और मजा आएगा। अभी आप देखोगे ना तो अपनी GT650 का और ज्यादा फैन बेस है। ओनर भी पहले अपनी GT लेने का ही प्लान कर रहे थे, फिर उन्होंने बाद में अपनी इंटरसेप्टर ले ली। तो देखते हैं ओनर की क्या स्टोरी रही है अपनी इंटरसेप्टर लेने की। तो फटाफट आपको बाइक के ओनर से मिलाते हैं। तो गाइस अंश भाई बाइक के ओनर है, और बताओ भाई क्या मजे चल रहे हैं। बढ़िया भाई, आप बताओ। बस मैं भी बढ़िया हूँ। अपनी क्या स्टोरी थी इंटरसेप्टर लेने की। हम लेने तो गए थे GT650, पर जो इंटरसेप्टर थी, मतलब GT हमने चला के देखी थी, पर उसका जो सिटिंग पोस्चर था और बाकी सब, जैसे ये पाँव रखने का क्या बोलते हैं, फुटपैक्स, हाँ फुटपैक्स उसके बहुत पीछे थे। मतलब गाड़ी तो बढ़िया थी, वो भी चला के देखी थी, पर अनकंफर्टेबल थी वो। जैसे अगर अपन GT चलाएंगे तो बहुत अनकंफर्टेबल और बिल्कुल वैसी लगेगी। और अगर थोड़ा उसका अपना एग्रेसिव रहता है, उसका एग्रेसिव रहता है। और ये बिल्कुल क्रूजर बाइक है, इससे आप कहीं भी जा सकते हो। और बस यही थी स्टोरी। तो अपन ने 2019 में ली थी, कितने की पड़ी थी ये? पड़ी थी भाई 330 की। 330 की, और अभी अपन देखते हैं तो 4 के आसपास जा रही है। 4 के आसपास, बहुत महंगी हो गई अब। हाँ, तो 2019 में ली थी, तो आप इसको कितने टाइम चला रहे हो? मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। मेरा भाई चलाता था पहले, पर अभी मेरे हाथ में ही है। बाकी अंश भाई अपना GT और इंटरसेप्टर का प्लान कैसे बना था? हर किसी की तरह हम भी लेने गए थे क्लासिक, पर हमने वहाँ पे ये देखी, फिर GT देखी। मेरे को और मेरे भाई को सबसे पहले GT पसंद आई, क्रोम कलर की। पर उसमें एक तो वेटिंग बहुत थी, और चला के देखी तो मतलब मजा नहीं आया, अनकम्फर्टेबल थी। ज़्यादा दूर जाओगे तो आपके हाथ वाथ फिर दिक्कत देंगे। हाँ, यहाँ पर तो हमने फिर इसको देखा एक बार, इसका हमने देखा था रेड और वाइट वाला। फिर हमने देखा ऑरेंज, तो ऑरेंज तो एक बार में पसंद आ गया था, तो हमने इसको तुरंत ही बुक करवा दिया। और कोई सी गाड़ी देखी नहीं, बाकी जावा वावा पहले देखी थी हमने, जावा 42, पर उसमें भी कोई सर्विस सेंटर भी अच्छे नहीं थे, और बाकी गाड़ियाँ भी अवेलेबल नहीं थी जावा पे। तो फिर हमने इसको चॉइस। अपने को ये कितना टाइम में मिल गई थी? ये 2 महीने लगे थे। जैसे अभी आप न्यू इंटरसेप्टर देखोगे तो उसमें अपने अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, हाँ अपनी LED लाइट्स आ जाती है, और इसमें अपने ट्यूब वाले टायर हैं, और अभी हाँ नई वाली में ट्यूबलेस टायर्स है। तो आपको ऐसे इसमें कमी लगती है कि यार अपने को भी इसमें ट्यूबलेस टायर रहने थे, अलॉय व्हील्स रहने थे, LED लाइट्स? अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, बाकी इसका जो रेट्रो लुक है ना, वो काफी तगड़ा आता है। अभी आप जैसे अलॉय व्हील्स वाली देखोगे, उसमें LED लाइट आ जाती है, वो अपने मॉडर्न लुक उसका लगता है। हाँ, रेट्रो का फील गया उसमें, उसका ऑरेंज कलर भी काफी अच्छे लगता है। पहले भी इसमें काफी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन आते थे वैसे तो, और अभी नए भी काफी अच्छे आ रहे हैं वैसे। अब देखो भाई, कोई भी GT लेगा, इंटरसेप्टर लेगा, तो एग्जॉस्ट तो यार लगवाएगा इसी पर। हाँ, आपने नहीं लगवाया अभी तक? कुछ रीजंस थे घर वालों के भी और ऐसे भी कि एग्जॉस्ट नहीं लगवाना है, उससे नॉइस पॉल्यूशन और चालान। बिल्कुल स्टॉक रखी हमने गाड़ी, इसमें कुछ भी नहीं, बस ये एक तो वाइजर, ये तो इम्पोर्टेंट था, बाकी सब चीजें लगवाई है, लेग गार्ड वगैरह। बाकी एग्जॉस्ट का भी सोचा नहीं, पर अगर आगे होगा तो फिर बिल्कुल। हाँ, बाकी देखो इसमें रेड रोस्टर वगैरह लगवाना तो बहुत ही तगड़ा साउंड आता है। बाकी इसका स्टॉक का भी आपको सुनाते हैं, करना अपने स्टार्ट। अपना तो यार देखो स्टॉक का ही काफी तगड़ा है, ऐसा लगता तो नहीं वैसे इसमें लगवाने की। हाँ, इसका साउंड इतना प्यारा है कि वैसे जरूरत तो ऐसी लगती नहीं। बाकी अपने को माइलेज कितना क्या निकाल रही है अभी? माइलेज अगर इज्जत से चलाओ तो फिर 30 तक दे देगी हाईवे पे, और ऐसे तो मैं चलाता हूँ तो 15-20 ज्यादा नहीं देती। अच्छा, हाँ। और अभी वैसे अपनी कितनी चल गई है? 4 साल हो गए अभी। हाँ, 4 साल हो गए। 6,000 कुछ चली होगी गाड़ी, तो काम ही चली यार अपनी। चला ही नहीं ना किसी ने ज्यादा, अभी मेरे हाथ में आई है, मैं चला रहा हूँ। अंश भाई आप मेन पॉजिटिव बताओ कि आपको क्या क्या खास लगता है इसमें। सबसे पहली बात तो इसका राइडिंग पोस्चर बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप चलाओगे तो मक्खन जैसी है ना। और दूसरा इंजन, इसमें अगर आप चला के देखोगे 650 का, अभी का पुराना कोई सा भी चला के देखोगे, 1% वाइब्रेशंस नहीं आते हैं इसमें। अच्छा, है ना। और बाकी ब्रेकिंग बढ़िया है, और डुअल चैनल लीवर्स आ जाता है, सस्पेंशन भी ठीक है। सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं कहूंगा, बाकी ठीक ठाक है। हाँ, बाकी इसको चलाते हो तो कैसी क्या फील देती है? राजा, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। बाकी इसको कितनी क्या भगा चुके हो अभी तक? अभी इतना कुछ नहीं, 140-150। तो उसमें अपनी स्टेबिलिटी कैसी क्या रहती है? स्टेबिलिटी बढ़िया है, बाकी वॉबल करता है हैंडल, 120-130 पे वॉबल करता है। और पिकअप वगैरह तो तगड़ा है इसी, बहुत भयंकर, उस समय का टॉप है।
अच्छा उस समय का अपना टॉप मॉडल है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वैसे ठीक ही है। कहीं अड़ी क्या अभी तक गाड़ी? नहीं नहीं अड़ी तो नहीं, पर अड़ेगी वो अगर अच्छा बड़ा वाला है तो। हाँ वैसे ठीक ठाक ही अपने को मिल जाता है और बाकी फ्रंट से अपनी आपको हेलोजन लाइट ही आती है। लाइट का थ्रो कैसा लगता है इसका? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है पर ठीक ठाक है, काम चल जाता है। अभी नई वाली में तो अपने देखो अच्छा थ्रो मिल जाता है, एलईडी लाइट आ जाती है और अपने इंडिकेटर भी इसमें हेलोजन में है। इसका जो अपना रेट्रो लुक है ना इसके तरह देखो बात अलग है, बाकी अभी जिसको मॉडर्न लुक पसंद है वो नई वाली तो देख ही सकता है। और जो अगली चीज़ है वो इसका कंफर्ट, बहुत अच्छी सीट्स है इसकी, हमने अलग से लगवाया था सीट कवर पर बिना उसकी भी अच्छी सीट्स थी इसकी, रॉयल एनफील्ड से लगवाया था। सिंगल सीट मिलती है दो लोग को देखो बड़े आराम से बैठ जाते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब यार देखो इसका सीटिंग पोस्चर तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, बस जीटी भी काफी तगड़ी बाइक है, बस अपना सीटिंग पोस्चर का थोड़ा रहता है, जीटी भी बढ़िया है, बाइक सेम ही है वो तो। अगर देखो अगर नई वाली लेने का प्लान करोगे तो आपको पुरानी वाली ज्यादा अच्छी लगती है फिर नई वाली? पुरानी बेटर लगती है। रेट्रो अवंश भाई खास खास बातें तो आपने बता दी, बाकी कुछ नेगेटिव लगते हो आपको? नेगेटिव तो है भाई, नेगेटिव तो है, सबसे पहला तो माइलेज पर। खैर माइलेज तो 650 लेने वाला कोई देखता नहीं, पर फिर भी मान लो अगर अपन को कहीं दूर जाना हो फिर आपको माइलेज का तो देखना पड़ेगा। और दूसरा वेट मतलब अच्छा खासा है, बहुत खतरनाक वेट है इसका। क्लासिक के बाद आप ये चलाओगे तो लगेगा कि भाई कुछ भारी चला रहे हैं, लोहा चला रहे हैं। बाकी ऐसे तो कुछ लगे नहीं मेरे को, यही था बस। आपकी सीट हाइट कितनी है? सॉरी आपकी हाइट कितनी? 5'9" 5'9" है, तो आप एक बार वेट का बताना बाइक पे। 5'9" वाले के लिए देखो बढ़िया है, बढ़िया है, पूरे पांव पुर जाते हैं। हाँ, और एक और इसका नेगेटिव है, जैसे अपन न्यूट्रल पे है गाड़ी और अगर अपन पीछे खींचते हैं तो ये जो फुटपैक से अपने पाँव में बहुत तेज लगते हैं अगर ऐसे खुले हो तो, बाकी बंद हो तो कोई दिक्कत नहीं, खुल जब ऐसे लगते हैं पीछे ऐसे करके। अब जो है अपन गाड़ी तो ले लेते हैं भाई, उसको पालना खर्चा सबसे मेन रहता है, इसका अपना खर्चा कितना कैसा क्या जाता है? सबसे पहले खर्चा तो पेट्रोल है इसका, है ना, और दूसरा सर्विस में इतना कुछ महंगा नहीं लगा मेरे को। हाँ भाई तुम आ जाओ बीच में। सर्विस का कैसा क्या खर्चा आ जाता है? सर्विस तो ठीक है, मतलब इतनी महंगी भी नहीं है, पहली फ्री थी। हाँ। दूसरी में ऑयल का खर्चा आया था और तीसरी मैंने करवाई नहीं, मेरे भाई ने करवाई थी, वो इंदौर ले गया था इसको। अच्छा सर्विस तो, में ज्यादा नहीं, अपना मेन तो पेट्रोल और इसमें है। साइकिल फेंक के कुत्ते के पीछे भाग गया हो। 650 cc की कोई गाड़ी चलाता है, इतना तगड़ा फील चाहिए था, फिर माइलेज का तो कहा ही सोचेंगे अपन। अभी गाइस जैसे मैं बाइक पर बैठा हूँ तो मुझे भी ये नेगेटिव थोड़ा लगा, जो अपने फुट स्टेप की पोजीशन है ना ये थोड़ी अपनी है, मतलब ये थोड़े अड़ते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम बैठोगे तो आपको ऐसा थोड़ा लगेगा। अब मेरी हाइट भी 5'9" के आसपास है तो मेरे लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी देखो जिनकी हाइट अगर थोड़ी कम रहेगी, 5'5" रहेगी, 5'6" रहेगी ना, उनको थोड़ी लग सकती है, अपनी बाइक भी अच्छी खासी हैवी है। बाकी इसका सीटिंग पोस्चर तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। पानी आ गया। तो गाइस बाइक थोड़ी अपनी ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए हम थोड़ा अंदर को आ गए हैं। देखो इसका सीटिंग पोस्चर बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, लॉन्ग टूर्स के लिए देखो अपनी इंटरसेप्टर काफ़ी सही रहती है, और GT60 का अपनी कैफेसर बाइक है तो उसका थोड़ा एग्रेसिव रहता है, तो आप थोड़ी बहुत चलाओगे तो काफ़ी सही रहती है। बाकी लॉन्ग टूर्स में अगर आप देखोगे तो इंटरसेप्टर अपना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। तो गाइस कंक्लूजन की तरफ अपन बढ़ते हैं, तो अंश भाई आप क्या कहना चाहोगे, अगर कोई भी अपनी न्यू इंटरसेप्टर लेने का प्लान करता है तो आप क्या रिकमेंड करोगे? मेरी पर्सनल चॉइस तो यही है, बाकी सबके अपने ऊपर होता है ना, सबका अपनी चॉइस होती है। हाँ नई वाली जो है, नई वाली जो है उसमें अपना थोड़ा मॉडर्न लुक आ गए। हाँ नई वाली में मॉडर्न लुक है और बाकी एलईडी हेडलैम्प से, उसमें थोड़ा अपना रेट्रो लुक थोड़ा नहीं है। हाँ। नहीं है बाकी तो उसमें भी तो बढ़िया है, पावर उसमें भी बढ़िया है। हाँ वो तो अपनी बेसिक फेस में आ गया तो अपनी रिफाइनमेंट आपको उसमें और तगड़ी मिलने वाली है। हाँ। और आप भी अपनी 650 cc की बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो देखो GT और अपनी इंटरसेप्टर काफी तगड़ा ऑप्शन हो जाता है। तो गाइस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना और चैनल भाई याद से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।